हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका ये कहना है कि सर ईमेल हमको देना हो तो कैसे देंगे। ईमेल के लिए सवाल पूछा गया है मुझसे, तो चलिए ये समझते हैं कि ईमेल हम कैसे दे सकते हैं। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया, यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक विंडो एक अदर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा क्रिएट का। देखिए आ गया, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो कुछ इस तरह की तरीके का आएगा। अब यहां पर आपको डिजाइन व्यू पे जाना है और ये टेबल वन आ रहा है। आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट दे दीजिए, कॉलेज दे दीजिए, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट आपका हो वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट ही दे देता हूँ, तो ये स्टूडेंट कर दिया हमने और इंटरप्रेस किया। ठीक है, आप बाई डिफॉल्ट नेम भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी शीट आ रही है, इसको साइड में रखते हैं अभी। अभी यहां पर बात कर लेते हैं हम सीधा सीधा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोल नंबर, ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, ये तो मैं बताता आ ही रहा हूँ शुरू से ही। तो ये लिख लिया हमने रोल नंबर। अब रोल नंबर लिखने के बाद इसे ऑटो नंबर रखते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर देता हूँ, ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बेटर। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर देता हूँ, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद हमें करना क्या, इसे टेक्स्ट डेटा टाइप रखना है। ठीक है, और इसी स्टूडेंट का ईमेल हमको करना। तो ये देखिए, ये लिखा मैंने ईमेल, इस तरीके से ईमेल लिख दिया और यहां पर कौन सा डेटा टाइप आप चूज करेंगे ये सवाल उठता है। तो यहां पर एक डेटा टाइप आपको मिल जाता है, इसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। तो आप हाइपरलिंक चूज कीजिए, बस यहां से ओके प्रेस कीजिए, यानी कि व्यू पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आएगी। ये देखिए, इसको यस कर दीजिए। तो जैसे ही यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देना है। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल देना है। तो चलिए एक बार ईमेल दे के देखते हैं कि ईमेल किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने राम, ओके, और यहाँ पे ईमेल देते हैं। तो राम का ईमेल है ram123@gmail.com, तो ये लिखा मैंने और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हाइपर लिंक्ड हो चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे करता हूँ श्याम, तो ये देखिए ये लिखा मैंने श्याम, यहाँ पर आए और यहां पर श्याम का ईमेल देते हैं। तो श्याम1234@gmail.com, तो ये देखिए ये भी हाइपरलिंक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ईमेल दे सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, और यहां पर जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए ये हाइपरलिंक का साइन है। आप देखिए यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे जगह रीडायरेक्ट करेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा बहुत ही इजीली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये आपको गूगल पे लेके जाना चाहता है, गूगल पे नहीं जाना है हमको भाई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें, बात समझ में आ गई तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।